तो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है जनतंत्र के इस एपिसोड में। आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों बीजेपी बंगाल इलेक्शन क्यों हार गई, आखिर उसके पीछे वजह क्या रहा, ठीक है ना। पूरी वजह मैं इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपको मीडिया वाले ऐसी बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि मेन वजह जो है वो यही है, लेकिन मीडिया वाले आपको ये नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आपको पता ही है कि मीडिया वाले क्या है, है ना। इसलिए मैं आपको आज पूरी वजह इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो वजह रही है वो बंगाल इलेक्शन में जो बीजेपी के हारने की सबसे पहली वजह रही है वो रही है कोरोना के स्थिति में हमारे देश के महामहिम जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको इतने सारे दौरे करने का। सबसे बड़ी वजह तो यही रही है वहाँ बंगाल इलेक्शन में, क्योंकि देखिए जब भी कोई प्रधानमंत्री होती है वो हमारे देश के महामहिम है, और वो जब ऐसी कारनामा करेंगे, वो सबको बोले कि आप घर में रहिए और आप खुद बाहर निकलवाएंगे किसी को भी, तो सबसे बड़ी वजह आप कहीं भी देख लीजिए, ये वजह आपको बताया नहीं जाएगा। लेकिन बड़ी वजह यही है कि लोग उनसे बहुत ही आक्रोश थे, सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में उनसे लोग आक्रोश थे इस मामले को लेकर कि आप देश के महामहिम हैं और आप ही ऐसे काम करेंगे तो कैसे देश चलेगा। इसलिए बड़ी वजह दोस्तों ये रही है, ठीक है ना। अगली वजह क्या रही है? देखिए अगली वजह रही कि बीजेपी के पास अपना सीएम का कोई भी चेहरा नहीं था, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन इसके पास तृणमूल कांग्रेस के पास, टीएमसी के पास जो थी वो तृणमूल कांग्रेस के पास बहुत बड़ी चेहरा जो ममता बनर्जी जो खुद मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनके पास एक बड़ा चेहरा था। लेकिन देखिए, और थर्ड जो वजह रही है वो बाहरी लोगों को जो बीजेपी वाले जो बुलाए हैं, बाहरी लोग को, जैसे कि कहने का मतलब कि बहुत बड़े बड़े चेहरे बाहर से आए थे, तो बंगाल वाले को लगा ऐसा कि बाहर से आए हुए लोग जो है वही देश को, मतलब हमारे राज्य को जो है निर्वहन करेंगे, चलाएंगे, कोई भी इनके पास चेहरा तो है ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी खुद अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों ये दो तीन बड़ी वजह जो है वो बड़ी वजह बनी है। लेकिन एक बड़ी वजह जो हमने आपको सबसे पहले बताया कि महामहिम होने के नाते, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आपको देश के प्रति ज़्यादा सजग होना है, इलेक्शंस के प्रति नहीं। अब पांच राज्य में इलेक्शंस करवाएं कोरोना काल में, आप लोगों को कहते हैं कि घर में रहिए, मास्क लगा कर रहिए, ये करिए वो करिए, आप खुद बाहर निकलवाएं और कहते क्या है कि मैं बहुत खुश हूँ, इतने सारे जो भीड़ देखकर मैं खुश हूँ। क्या आपको ये कहने चाहिए? बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्या आपको ये चीज़ सही लगी, प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो ये चीज़ें किए हैं, क्या सही लगा आपको? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी वजह यही बनी है। और देश में जो कारनामे चल रहे हैं वो आपको पता ही होगा कि क्या हो रहे हैं देश में, इस देश का हाल क्या है, फिर भी इस जो नेताओं को है उनको पता कुछ नहीं चल रहा है दोस्तों। तो मुझे बड़ी वजह यही लगती है कि देश के प्रधानमंत्री को, देश के एक सबसे उच्च स्तर के व्यक्ति को, देश के एक मुखिया को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो चीज़ें वो बंगाल में किए हैं। लोगों को बुलाकर रैलियां लगवाएं और उसमें ना कोई मास्क पहन के फिर भी आप कह रहे हैं, और आप जैसे ही दिल्ली आते हैं आप क्या कहते हैं कि आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। अभी आप देखिए जैसे ही इलेक्शन खत्म आप लॉकडाउन लगा देंगे, मुझे पता है लॉकडाउन आप लगाएंगे। तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं कर पाए? आज जब 3 लाख से प्लस केसेस चले गए तो आप लॉकडाउन लगाने पर तुल गए हैं। ये बातें आप पहले भी तो कर सकते थे ना, लेकिन पहले क्यों नहीं किए चीज़ें? आप पता है क्योंकि आपका इलेक्शन था और आपको लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन आप हार गए, तो अब उसमें क्या हो सकता है ना। तो दोस्तों जनतंत्र के इस एपिसोड में इतना ही। आपको पता चल गया होगा कि असली वजह क्या होगी, आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, ताकि मैं आपको इसी तरीके के वीडियोज़ हमेशा लाता रहूँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।